तो दोस्तों देवरानी का है फर्स्ट करवा चौथ, और देखो इस बार कह रहे थे दिन की पूजा के लिए, तो पहले हम लोग पूजा करेंगे और यहाँ पे हम लोग ना। तो दोस्तों अभी मैं और देवरानी आ चुके हैं घास के लिए, देखो सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए। तो अभी ना मस्त वाली धूप लगी है और हवा भी। चलिए जी दोस्तों, करते हैं एक नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत। तो दोस्तों जैसे कि आपको सभी को पता है, आज है 20 अक्टूबर और आज है करवा चौथ। तो आप सभी माता बहनों को मेरी तरफ से करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने कल के ब्लॉग में देख ही लिया होगा, हमने लगाई थी कल मेहंदी। तो ये देखो इस साइड ना मैंने कुछ नहीं लगा रखा है, क्योंकि ये मेहंदी ना हमारी थोड़ा इस बार ख़राब आ गई थी, तो ऐसे और ऐसे लगा रखी है हमने। अभी ना दोस्तों हमारी पूजा पाठ भी हो चुकी है मेरी और देवरानी जी की। तो इस बार ना हमने देखो कैसे कलर का सूट सिलवा रखा है करवा चौथ पे। हर बार हम रेड कलर का सिलवाते हैं, तो इस बार मैंने और देवरानी ने ना सेम सूट सिलवा रखा है। बाकी इसके बाद दिन में जो तैयारी होगी वो भी आप लोगों को आगे ब्लॉग में दिखी जाएगा। दिन में जो सूर्य पूजा और पूजा वगैरह होगी तो उसको भी ना हम बाद में करेंगे। और आज ना बहुत ज़्यादा काम हो गया था सुबह से, तो हमने अभी 12 बजने वाले हैं और 12 बजे जाके हमारी पूजा ख़त्म हुई है। थोड़ा मंदिर वगैरह जो भी सजाना वगैरह होता है वो ख़त्म हुआ है, और अभी हम लोग थोड़ा छत पर आए हैं ब्लॉग शुरू करने के लिए। तो ये ब्लॉग तो आप लोगों के पास आएगा 21 तारीख को, आज है 20 तारीख करवा चौथ का, तो ये आएगा आपको 21 तारीख को। तो बने रहना आप आगे वीडियो में, जो भी होगा आज का दिनचर्या। और हमें तो ज़्यादा पता भी नहीं है करवा चौथ के बारे में, तो जो भी है जितनी भी हमें जानकारी है उतना हम लोग कर ही रहे हैं। तो देवरानी का ना ये फर्स्ट करवा चौथ है, तो दोस्तों देवरानी का है फर्स्ट करवा चौथ। और देखो इस बार ना हमने सेम ड्रेस बना रखी है, एक जैसे कलर की सूट। बाकी दिन में हम लोग देखते हैं अभी जो भी तैयारी होगी। तो कैसा लग रहा है आपको? भूख लग रही है। फर्स्ट साल का एक्सपीरियंस मेरा तो ये पांचवा करवा चौथ है। अभी ना दोस्तों मैं और देवरानी हो चुके हैं रेडी दिन की पूजा के लिए। तो पहले हम लोग पूजा करेंगे और यहाँ पे हम लोग ना कथा पढ़ेंगे। तो कथा तो कोई और पढ़ के सुनाता है, कोई लड़की तो हमारे साथ तो कोई है नहीं अभी, तो हम दोनों ना खुद ही, मतलब एक बार कोई पढ़ेगा तो हम दोनों खुद ही पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने आपको ज़्यादा तो नहीं दिखाया, क्योंकि अगर वैसा होता ना यहाँ, तो एक तो लाइटिंग की व्यवस्था भी उतनी नहीं हो पा रही है, तो हम लोगों ने सिंपल ही किया है सब कुछ। अब तक ना हमने घर का काम निपटाया और अब हम लोग हो चुके हैं रेडी। तो हम दोनों ने ना सेम साड़ी पहनी हुई है जो कि हम लोगों ने मंगवाई थी। तो अभी हमने ना पिछोड़े वगैरह कुछ भी नहीं डाल रखा, क्योंकि टाइम इतना नहीं है, अभी हमको कुछ और काम भी करना है।
तो ये देखो सिर्फ कलर डिफरेंस है लेकिन साड़ी सेम सेम है। तो चलिए पहले ना हम लोग कथा पढ़ते हैं, फिर हम लोग सूर्य देव को जल चढ़ाएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने बनाए हैं अपने गरुड़ माता का मंदिर, और दोस्तों जो भी होता है फल फ्रूट सिंगार के सामान वगैरह हमने सारा चढ़ा रखा है। और हम दोनों ने ना सासू जी के लिए साड़ी ला रखी है, तो वो भी हमने अलग अलग रखा है, और उसमें जो भी सिंगार का सामान होता है वो भी रखा हुआ है। तो अभी हम लोग यहाँ पे कथा पढ़ेंगे, और हमारे साथ ना कोई है नहीं, तो हम लोगों को खुद ही पढ़ना पड़ेगा ये करवा चौथ अहोई अठे और दिवाली गोवर्धन पूजा वाला। इसमें ना सब कुछ है, तो हम लोगों दोनों की दो दो किताबें हैं, तो अभी हम दोनों पढ़ेंगे मैं और देवरानी। तो दोस्तों आज पढ़ने वाली है देवरानी कथा, क्योंकि मैं ना पहले पढ़ चुकी हूँ, तो मैं सुनूंगी आज और देवरानी पढ़ेगी। तो ये कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी की पूजा करके उन्हें पूजन दान के प्रसन्न से प्रसन्न किया जाता है। इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है, और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं, तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय और अर्ध देकर व्रत खोला जाता है। कथा एक साहूकार था, उसके सात बेटे थे और एक बेटी थी। वह सातों भाइयों की प्यारी बहन थी, एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई, और तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए, और पत्नी अपनी बहन के से बोले, आ बहन तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली, आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है। जब चांद निकली, सास बांदी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते एक साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया, सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब एक बेटा और बहू थी, वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी हर रोज बुढ़िया से कहते, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती, मैं क्या मांगूं? तो गणेश जी बोले, अपने बेटे से पूछ ले। वो बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू से पूछने लगी, तो बहू बोली, सासू जी पोता मांग लेना। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपने मतलब की मांग रहे हैं, सो पड़ोसन से। अभी ना दोस्तों हमने यहाँ पे जो कथा थी वो भी पढ़ ली है, और अब हम लोग जाएंगे छत में सूर्यदेव को पानी चढ़ाने के लिए। हम लोग आ चुके हैं अभी यहाँ पे सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए। तो अभी ना मस्त वाली धूप लगी है और हवा भी चल रही है, तो पहले चढ़ा देते हैं सूर्यदेव को जल। और देवरानी ने चढ़ा लिया है, तो अब मैं भी चढ़ा लेती हूँ। तो दोस्तों अभी मैं और देवरानी आ चुके हैं घास के लिए, देखो तो क्या करें यार।
काम तो करने है, ससुराल है ये ससुराल। तो क्या है ना कि दिन की पूजा वगैरह करने के बाद हम दोनों आ गए हैं अभी घास के लिए। अभी 3 बज चुके हैं, मतलब 3:30 हो चुके हैं, और हमें ना दुकान भी जाना था सामान लेने के लिए, पर कैसे जाएं समझ नहीं आ रहा, घास जो काटे या दुकान जो जाए। पर छोड़ो, अभी फिलहाल घास ही काट लेते हैं। ये देखो इसको, बाकी ये इधर से काटना है हमें उधर साइड को, और मितांश भी उठ चुका है, उसके साथ है ससुर जी। तो चलो जी काटते हैं घास। अभी ना दोस्तों हम लोग ना घास ही काट रहे हैं, तो अभी ना 6 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा, 5:30 हो रहे हैं अभी। तो अभी देखो हमने घास भी काट लिया है, ये वाला खेत पूरा काट दिया है, आज तक कुछ खाया पिया नहीं है। देखो तो देखो आंखों के नीचे कैसे गड्ढे पड़ गए हैं। बाकी अब चलते हैं घर को, मतलब ये देखो ऐसे काले काले नजर आ रहे हैं आंखें, और इसका सर दर्द हो रहा है, बिना खाए काम करेंगे तो सर दर्द तो हो गई। बाकी अभी चलते हैं घर को, मेरे को तो आदत है वैसे पहले से, बट इसका फर्स्ट निर्जला व्रत है ना, इसलिए। तो चलो चलते हैं, और फिर हम लोग बनाएंगे खाना।